देखिए दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला, खास करके जो पति और पत्नी वर्किंग है और उसके बाद उनके जो विवाद चल रहे हैं उसके मामले में। और खासकर मैं पहले ही बता देता हूं आपको, दोनों को ही, चाहे वो पति है चाहे वो पत्नी है, दोनों नौकरी करने वाले हैं, चाहे उनके माता पिता है, उन दोनों को ये वीडियो प्रॉपरली तरीके से एंड तक ज़रूर देख लेना। जी हाँ, ऐसा नहीं कि मैं एक ही पक्ष के बारे में बोलूँगा, मैंने इस मुद्दे को कहीं टाइम से उठाया था और उसके बाद जो निचोड़ निकल के आया, चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो चाहे उनके माता पिता हो, इस वीडियो को पूरी तरह से देख लेना। शायद आप पूरी वीडियो देखने के बाद आपकी सोच, आपकी मेंटलिटी सब कुछ चेंज हो जाए। अगर आप शॉर्ट वीडियो देखेंगे, आधा वीडियो देखेंगे, तो फिर आप कॉमेंट में गालियाँ दोगे, जो भी दोगे वो आपके विचार है, वो आप पर डिपेंड करता है। आज के वीडियो में दोस्तों सबसे पहले क्या चीज़ आ जाती है कि मान लीजिए कोई लेडीज़ वर्किंग है, पति वर्किंग है। पहली बात, एक सबसे ज़्यादा होता है कि साफ समाज के डर से पत्नी अगर नौकरी करने वाले हैं तो माता पिता शादी कर लेते हैं, उसके बाद में शादी का लाइसेंस ले लेते हैं और बेटी को मायके में बिठा के रखते हैं। पहली बात तो ये सरासर गलत है। जी हाँ, कुछ जगह हो सकता है ऐसा, लेकिन हर माँ बाप ऐसा नहीं करता है। पहली बात यहाँ पर नोट कर लेना आप लोग, ठीक है। अन्यथा मेंटली जिनके साथ ये बीतता है उनके साथ ये हो जाता है। अब ये कब घटना घटती है मैं बता देता हूँ। देखिए, पति क्या होता है, लालच बुरी वाला चीज़ हो जाए आज की डेट पे। आप देख लीजिए, बड़े बड़े सेलिब्रेट है, कोई भी है, बिजनेसमैन है, कोई भी है, मैक्सिमम ज़्यादातर है, वो भी क्या करेंगे, डीएम है, आईपीएस आईएएस है, नॉर्मल लड़की से शादी करते हैं, ठीक है, ज़्यादातर देखो जाओगे तो। अब ऐसी कंडीशन में पति कमाने लग गया, नौकरी वाला है, वो चाहता है कि साहब मुझे पत्नी नौकरी वाली होनी चाहिए। शादी के एक महीना दो महीना नहीं हुआ, तीसरे महीने में ये स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, कि भाई सैलरी कहाँ जा रही है, साहब ईसा मांगने लग जाते हैं और वहीं से इनके पंगे स्टार्ट हो जाते हैं। जी हाँ, पहली बात तो ये सामाजिक डर का, लाइसेंस वाले का जवाब यही है कि उन लोगों के लिए ये डायलॉग स्टार्ट हो जाता है कि भैया जिनका इरादा ही शादी को, सैलरी देख को शादी की गई थी, उस इरादे पर ये आप डायलॉग फोड़ सकते हो, बोल सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये सच्चाई पूरी नहीं है। जी हाँ, देखिए कोई भी पति या पत्नी, देखिए आज की डेट में पहले के ज़माने में मर्द कमाया करते थे, ठीक है, दस दस रानियां लाया करते थे। अब महिला पावरफुल हो गई, भाई महिला भी कमाने लग गई, सिंपल सी बात है। क्यों? अपनी मनमर्जी से। देखिए, महिला जब पावर में आती है तो अपनी मनमर्जी करती है, वो कास्ट समाज धर्म ये नहीं देखती है, वो पावरफुल इंसान को देखती है फिर, ठीक है, अपना मनपसंद इंसान को देखती है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में फिर भी अगर आपके मतभेद या लड़ाई, आप इस लालच में गए तो आपकी शादी पूरी गलत हो जाएगी। पहली बात का मैं जवाब दे देता हूँ आपको, है ना। दूसरी बात, अगर माई चांस आपकी शादी सैलरी को देख के ही हुई है कि साहब मैं कमा रहा हूँ मेरी पत्नी भी कमाएगी, तो सरासर आपकी ये सोच बिल्कुल गलत है। सामाजिक तौर तरीके से आपकी शादी हो सकती है, ठीक है, लेकिन शादी के बाद में कानूनी तौर तरीके चालू हो जाते, बात आप समझ लेना। जी हाँ, मतलब अगर आप डीवी एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 पूरा क्लियर अगर आप पढ़ोगे ना, क्लियर उसमें मेंशन है कानून में, आप पत्नी की एक रुपया ले नहीं सकते। जी हाँ, आर्थिक सपोर्ट आपको पत्नी नहीं कर सकती जब तक आपके बच्चे नहीं हो सकते, और आपके बच्चे होने से पहले ही आपके रिश्ते टूट जाते हैं, बात भी आप समझ लेना। मैक्सिमम 100 में से 90% लोगों के रिश्ते तो शादी के दो या चार महीने के बाद से विवाद कांड हो जाता है कि साहब जब पैसा ही नहीं दे रही, सैलरी ही नहीं दे रही है, इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, पत्नी को साथ में नहीं रह रही, ठीक है। मतलब इन्होंने एक लड़ाई लड़ ली स्टार्टिंग से ही कि भैया शादी के बाद सैलरी नहीं देगी तो इसको हम नहीं रखेंगे, और ताई से नहीं होती, भाई तुम सैलरी को पहले घर बसाने की कोशिश तो करो। देखिए, धीरे धीरे मैंने आज तक एक्सपीरियंस या प्रैक्टिकल अनुभव बता रहा हूँ मेरा खुद का, अगर आपकी पत्नी आपके साथ है, ईमानदारी से आप रह रहे हो, ठीक है, आपके बाल बच्चे, आपकी बाउंडिंग अच्छी हो रही है, अपनापन अगर आप पत्नी को फील करा रहे हो, बाल बच्चे आपके हो गए हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि भाई आपकी पत्नी कहीं सैलरी नहीं देने वाली। जी हाँ, बाल बच्चे हो गए उसके बाद भी अगर पत्नी दे रही है तो फिर गलत बात है, लेकिन आपका पंगा कहाँ से हो जाती है, आपकी लड़ाई वहीं से हो जाती है जहाँ से आप लोग पहले स्टार्टिंग में लड़ाई कर देते हैं। ये कहीं लोगों की है, कहीं लोगों की ये समस्या है कि महीने दो महीने या तीन महीने में ही लड़ाई को स्टार्ट कर देते हैं कि भैया तेरी सैलरी कहाँ जा रही, कहाँ नहीं जा रही, उसके बाद वो भूल जाते हैं कि मेरी पत्नी या पत्नी है, कि हमको तो रखना ही नहीं है, फिर छोड़ने का इरादा हो जाता है पूरा फाइनली इनका, ठीक है। उस कंडीशन में वो रिश्ता बचेगा ही नहीं किसी कंडीशन में। क्यों? देखिए, कानून क्लियर कहता है भाई आपकी सैलरी नहीं भी दे रही तो भी आपके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाने की डिमांड है, आपके पास ग्राउंड है, आपके साथ रहने का ग्राउंड है, उस मुद्दे पे कोई बात ही नहीं करेगा,
लड़ाई वहीं पे हो गई, ठीक है। अगर फिजिकल रिलेशनशिप बनाने से, आपके साथ रहने से मना कर रही है, कई सारे ग्राउंड होते हैं, लेकिन लोग उस चीज़ पे मुद्दे नहीं करेंगे, फिर कहेंगे 2 या 3 महीने के बाद ही सोचेंगे, नहीं जी अभी सैलरी वैलरी तो देती नहीं, कोई काम नहीं, अब काम करते 1 साल या 2 साल हो जाने दो, तलाक का ग्राउंड बन जाएगा, उसके बाद हम तलाक ले लेंगे, फ्री हो जाएंगे। अब महिला भी पावरफुल है भाई साहब, पैसा कमा रही है, इस चक्कर में आपके केस, क्योंकि वह भी वकील करेगी, लड़ेगी दोनों साइड से, लंबा चले जाएगा, आप आसानी से तलाक लेना चाह रहे थे वो लंबा पड़ जाएगा। उससे बेटर है कि भैया पहले घर गृहस्थी को बचाओ, बनाओ, अपनापन दो पत्नी को। धीरे धीरे मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर अच्छी पत्नी होगी, थर्ड पर्सन नहीं होगा, तो आपकी सैलरी एलरी बच्चे होने के बाद कहीं नहीं जाने वाली, आपकी पत्नी आपको ही सैलरी देगी, आपके बाल बच्चों पे करेगी, आपके घर खर्चे पे करेगी। कहीं जगह पति लोग क्या करते हैं साहब, अपनी खुद की सैलरी से तो घर वालों का पूरा लोन उठा रहे, सब कर रहे हैं, पत्नी को कह रहे हैं कि साहब तू कमा कमा के दे, तू घर घर खर्चा चला वो दे। नहीं चलाएगी भाई कोई भी, कोई महिला नहीं चलाएगी आज की डेट पे, समझ लेना आप प्रैक्टिकल। जी हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा वो आपको सपोर्ट कर सकती है, हस्बैंड को सपोर्ट कर सकती है। आप कह रहे हो कि बहन की शादी करना, लोन उठा के दे दे, ये कर दे, छोटे भाई को पढ़ाना, वो कर दे, कोई महिला इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगी। ये बात आपको प्रैक्टिकल समझना ही पड़ेगा, तब जाके आपको ये समझ लेना, अगर आप इस मुद्दे को लेकर चल रहे हो तो आपकी शादी नहीं टिकने वाली, कोई भी महिला वहाँ पे सपोर्ट आपको नहीं करेगी। जी हाँ, यहाँ पे कानून भी आपको सपोर्ट नहीं करेगा, ये बात आप प्रैक्टिकल समझ लेना। अगर आपकी शादी के 2-4-5 साल टिक गई है, बाल बच्चे हो चुके हैं और आपको समस्या है, तो फिर इस मुद्दे को कानूनी तौर पे भी उठाओगे ना, तो भी कानून आपको सपोर्ट करेगा। फिर महिला का कर्तव्य बन जाता है कि भैया आपको आर्थिक सपोर्ट भी करेगी महिला, फिर उसके बाद आपके बच्चों को भी सपोर्ट करेगी फिर उसके बाद, ठीक है। लेकिन आप स्टार्टिंग में लड़ लेते हो, बच्चे अच्छे होने से पहले 90% मामलों में तो शहरी की लड़ाई लड़के ही पहले ख़त्म कर देते हो खेल को, ठीक है। पहली बात, दो बात, मुझे लगता है कि जो मुद्दा अहम था उसको मैं यहाँ क्लियर कर चुका हूँ। अब आगे की बात करते हैं, कुछ महिलाओं के घरवाले ऐसे भी होते हैं और कुछ पतियों के घरवाले भी ऐसे होते हैं, दोनों पर मैं बात करूँगा पॉइंट टू पॉइंट। पहली बात तो देखिए, पहली बात, कई महिलाओं के साथ ऐसा होता है जो कि वाकई उनके घरवालों की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल पे एक लड़की जॉब करने वाली है परिवार में, ठीक है, ओनली इकलौती लड़की जॉब करने वाली है, परिवार में कोई नौकरी नहीं है, और बड़ी बेटी मान लीजिए या कोई भी है, उस कंडीशन में उस महिला पे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि उसके घर वाले उस पर इतना प्रेशर रखते हैं कि बेटा देख ले, तेरी तो शादी हो गई है, छोटे भाई की शादी करना है, इससे वाले को पढ़ाना है, इसके माँ बाप का अहम रोल हो जाता है। यहीं पे लड़की समझ नहीं पाती है, शादी से पहले वो नौकरी लगने के बाद अपने घर की कंडीशन को सुधारने में पूरी कोशिश करती है 5 साल, और घर वाले वहाँ शादी करने के इरादे से ही नहीं रहते हैं, लेकिन फिर समाज के डर के मारे शादी तो कर देते हैं वहाँ पे वो लोग, लेकिन बाद में इस चीज़ को पछ जा जाते हैं, बाद में लड़की को वहीं घर पर बिठा के रखते हैं और वो रिश्ता टूट जाता है। ऐसी महिला का रिश्ता टूटेगा जब तक घर वाले नहीं चाहेंगे, क्योंकि घर वाले, और यहाँ पर लड़की को समझदार बनना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि तुमने पहले ही 5-10 साल पहले कमा के दे दिया और के बाद में घर वालों का लालच बढ़ता जा रहा, इसमें खास करके माँ का रोल आ जाता है। जी हाँ, यहाँ पे माँ गड़बड़ कर देती है पूरा, जबकि आपको पता होना चाहिए माँ बाप ज्यादा टाइम नहीं रहता, चाहे हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ हो, उनके ये बिल्कुल भी नहीं होता है, उनके माँ बाप ज्यादा टाइम नहीं रहे, 15-20 साल, और 15-20 साल आपकी जवानी की उम्र है, आप अकेले भी निकाल सकते हो, आपके पार्टनर की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी महिला की गलती और महिला घर वाले की, और उनके लिए परफेक्ट बैठता है कि सामाजिक तौर पर अगर आप कहते ना सर्टिफिकेट ले लेते हो लाइसेंस, लेकिन बाद में ये नहीं टिक पाता है। उसी प्रकार से कई पतियों के माँ बाप भी ऐसे होते हैं जो कि पत्नी की शादी आने के बाद पति सोचेगा कि चल चलने दे यार, ससुराल है, थोड़ा सा इसके लोन वोन लिया है या जिम्मेदारी उसको उठाने दो, सास ससुर काम नहीं करे, सीनियर सिटीजन है, चलो कोई बात नहीं है। देखिए पावरफुल अगर कमाने वाले कहीं पर रिटायरमेंट होते हैं, पेंशन आ रही है, साले आले कमा रहे हैं, वो कहीं नहीं मांगेंगे, वो उनको दिक्कत है नहीं सैलरी की, ठीक है, उस कंडीशन कोई मतलब है नहीं इसी कंडीशन में। लेकिन कई जगह जिम्मेदारी होती है तो उठा लेती है, लेकिन पति की माँ का रिमोट चल जाएगा, पति का रिमोट, पति की माँ का रिमोट चलेगा, तेरी बीवी कमा रही है, कहाँ जा रही शहरी, जानबूझ के अंगुली करने लग जाएगी, फिर वो रिश्ता नहीं टिकेगा किसी भी कंडीशन से। ये बात समझ लेना आप प्रैक्टिकल, अन्यथा नुकसान आपका होने वाला, फिर तांडव हो जाता है। और देखिए शादी के बाद ये सोचते हैं कि शादी तो बड़े मजे की शादी है, आराम से करेंगे, शादी एक जिम्मेदारी होती है, ये जिम्मेदारी आपको समझना पड़ेगा, और वहीं से तांडव हो जाता है। तो यहाँ पे भी जानबूझ के इरादा यही था कि भाई इसकी सैलरी से मतलब है, हमको तो इससे कोई मतलब है नहीं, और यहाँ से उनका डाइवोर्स हो जाता है, मतलब कुल मिलाकर यहाँ पे आपकी बात फिट हो जाएगी। तीसरी बात, कई बार तुम माँ बाप को दोष देते हो, ठीक है, पति हो चाहे वो पत्नी हो, अगर इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आ गया है, मैं एक चीज़ बता देता हूँ, चाहे प्रेमिका आ गई चाहे वो प्रेमी आ गया, जी हाँ,
तब लड़का या पति या पत्नी किसी के माँ बाप की नहीं सुनेंगे, ये बात समझ लेना अच्छे से। जी हाँ, कभी नहीं सुनेंगे। फिर तुम कितना ही करो, लड़की के माँ बाप ही इज्जत बचाने के लिए कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन वो कहते हैं पोल खुली जाएगी फिर भी। लेकिन इनके जो प्रेमी होते हैं, इनके बड़े मजे होते हैं। चाहे पति की प्रेमिका हो, चाहे पत्नी के प्रेमी हो, पूरी सैलरी उनके पास जाएगी फिर, और उनका ही रिमोट चलेगा फिर। ये बात भी प्रैक्टिकल समझ लेना। जी हाँ, फिर माँ बाप का, किसी के माँ बाप का रिमोट नहीं चलेगा। थर्ड पर्सन आ गया रिश्ते में तो फिर उनका ही रिमोट चलने वाला है। ठीक है, ये बात आप प्रैक्टिकल समझ लेना। उसके बाद भैया पूरा पैसा होगा वो उसी के पास जाएगा, प्रेमी के पास जाएगा। प्रेमी चाहे दो बच्चों का बाप है, चाहे चार बच्चों का बाप है, मैरिड है, कुछ भी हो, पागल बना रखा। क्योंकि महिला जिससे फिजिकल अटैचमेंट हो गई है, उस कंडीशन में आपको रिश्ता पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। ये बात समझ लेना, चाहे वो यहाँ पे पति हो, चाहे वो पत्नी हो। ठीक है, कुल मिलाकर थर्ड पर्सन इंक्लूड है तो फिर माँ बाप को दोष मत देना। फिर माँ बाप की बिल्कुल नहीं चलने वाली, वो बस अपनी इज्जत को बचाने या ढांकने का काम करेंगे, बस इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं करेंगे। लेकिन वह पोल खुली जाती है, पहली बात तो ये। कई लोगों के ये मुद्दा भी फंसा हुआ है, कई लोगों के होंगे जिनके साथ ऐसा मुद्दा फंसा है, वो कमेंट में एक बार बता देना। कई बार क्या होता है कि महिला नौकरी करती है, कमाने इतनी कर दी है, चाहे वह प्राइवेट सेक्टर में, चाहे वह गवर्नमेंट सेक्टर में, कहीं भी हो, पहली कोशिश या पहला प्रयास उसका ये रहता है कि वह कहीं ना कहीं से अपना मनपसंद बंदे से शादी करें। ठीक है, पहली बात तो। अब यहाँ पे मनपसंद लड़के से शादी करेगी लव मैरिज में, पुलिस कांस्टेबल कहीं देख लिया मैं, टीचिंग लाइन में देख लिया, कहीं बैंकिंग लाइन में देख लिया, प्राइवेट सेक्टर में देख लिया, कई जगह मैंने देख लिया, मैक्सिमम ये अपने मनपसंद बंदे से शादी करना चाहेगी। इनका रिलेशनशिप या तो शादी कर चुकी है, लव मैरिज इनका टूट चुका है, या फिर वो बंदा इनको धोखा दे चुका है। उसके बाद फिर ये मात्र नाम के लिए ही शादी करेगी, और उसके बाद अगर ऐसा कोई प्रेमी रहा है इनकी लाइफ में, या तो वह फिर वापस आके इनकी लाइफ में तांडव करेगा, पूरी तरह से तांडव करेगा। उस कंडीशन में इनका आपका घर कभी बसने वाला नहीं है, इस कंडीशन में आप समझ लेना। और ऐसी महिला नाम के लिए शादी करेगी, फिर वो आपका कहते हैं लाइसेंस लेगी शादी का, फिर वो कभी आपके साथ टिकी नहीं पाएगी। ये बात समझ लेना। अब ये हर किसी केस में नहीं है, जिन केसों में, कुछ केसों में ऐसा ऐसा पॉइंट उठाने के बाद पता पड़ता है, इस टाइप के केसेस भी आते हैं। जी हाँ, तो कुल मिलाकर ये वाला मामला भी आपको मैंने क्लियर कर दिया, तो ऐसी शादी आपकी टिकने वाली नहीं है। कुल मिलाकर आपको समझना पड़ेगा कि नौकरी करने वाली लड़की आज की डेट में कभी भी दबके नहीं रहेगी। इस वजह से नौकरी करने वाला है वो हाउसवाइफ की कोशिश करे, पढ़ी लिखी लड़की लाने की कोशिश करे, और नौकरी वाली लड़की भी ऐसा रखे जो कि वाकई हाउसवाइफ या घर जमाज रह सके, या जहाँ नौकरी कर रहे हैं वहाँ रह सके, कोशिश करिए। और ये ज़माना पलटेगा धीरे धीरे। देखो, जब कानून बना था उस ज़माने में महिलाएं वर्किंग नहीं करती थी। जी हाँ, अब इसमें बदलाव करने की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत पड़ चुकी है, ये बात समझ लेना आप लोग, अन्यथा बहुत बड़ा नुकसान आपका हो जाएगा। ये बात प्रैक्टिकल बता रहा हूँ मैं, ठीक है। इस वजह से ये मुद्दे बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं आज की डेट पे, हद से ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। आए दिन इन पर बहुत सारे विवाद हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा केसेस चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, ठीक है। और आखिरी बात, अगर इसमें कमाने के बाद भी या देने के बाद भी अगर किसी को थर्ड पर्सन, कई बार मैं महिलाओं की तरफ से देखता हूँ कि महिला पूरा सपोर्ट कर रही है, अच्छे से पति के साथ रह रही है, लोन उठा भी दे रही है, कहीं सब कुछ कर रही है, पति पैसा लूट लाट के कहीं थर्ड दूसरी महिला को रखने के लिए चला गया, शरीफ बनेगा, कोई बोलेगा नहीं। लेकिन सच्चाई में प्रैक्टिकल आपको बता दिया, कुल मिलाकर आपके इतने ग्राउंड के आधार पर मैंने बताया हूँ ये गलत है, पूरा मुद्दा है। स्टार्टिंग आप अपने रिश्ते को बाउंडिंग बनाए, रिश्ते को अपनापन दिखाए, बाल बच्चे परिवार बसाए, ऑटोमेटिक आपका परिवार जमेगा। बाल बच्चे बस गए और फिर घरवाले रिमोट भी करेगा तो कोर्ट भी कहने के कानून आपको सपोर्ट करेगा, लेकिन आपका घर बसा नहीं है, आप दोनों पति पत्नी का व्यवहार है नहीं, दोनों दोनों मन मर्जी कर रहे हो, दूर दूर रह रहे हो, दो चार तीन महीने में सैलरी की लड़ाई करके आप बैठे हो, उस कंडीशन में आपका रिश्ता बच ही नहीं सकता। किसी कंडीशन में दुनिया की कोई ताकत ही नहीं कि आपका रिश्ता बचा देगी उसके बाद। इस वजह से आपको समझना पड़ेगा, आपके माता पिता को समझना पड़ेगा, हर लड़की के माँ बाप को समझना पड़ेगा कि भैया बेटियाँ की शादी कर दी है, बाल बच्चे हो चुके हैं, तो आपने आपको दूर हो जाओ, कोई फ़ायदा नहीं है, उनका घर बसाने दो, खुश रहने दो। पति को समझना पड़ेगा कि माँ बाप की जिम्मेदारी थी, क्योंकि समय अनुसार आप छोटे भाई बड़े भाइयों से अलग होना पड़ेगा आपको, और अपने बाल बच्चों के लिए कमाओगे। देखिए, दोनों नौकरी कर रहे हैं तो दोनों की ज़िंदगी कट जाएगी, आप पैसा किसके लिए कमाते हो, आपके बाल बच्चों के लिए कमाते हो। इस वजह से प्रैक्टिकल बात इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि दोनों मिलजुल कर अपना पहले परिवार बसाओ, उसके बाद ये सैलरी कमाए पैसा ऐसा तब देखो।
कोई लड़ाई नहीं होने वाली, अन्यथा आपके रिश्तों में रिमोट जिम्मेदारी ये फालतू की सैलरी लड़ाई ये होगी तो आपका रिश्ता टिकने वाला नहीं है। उम्मीद करता हूँ कई लोगों के जो शॉर्ट थे, जितने सवाल थे प्रैक्टिकल में कोशिश किया हूँ। अब आपका कौन सा वाला पॉइंट आपका रहा है आप इस कॉमेंट में बता देना। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद।